बंगालियों चैनल के काशीपुर बुलेटिन में मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर। राज्यसभा सांसद एवं सह कोषाध्यक्ष भाजपा नरेश बंसल पहुंचे काशीपुर। आपको बता दें आज काशीपुर राज्यसभा सांसद एवं सह कोषाध्यक्ष भाजपा नरेश बंसल काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री अग्रवाल सभा समिति काशीपुर की बैठक में शिरकत की। इस बैठक में विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर, जैसे कि समाज में एकता, संगठन को मजबूत करने जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में अभिषेक गोयल, नगर अध्यक्ष भाजपा एडवोकेट सनत पैगिया, जीपी अग्रवाल, शक्ति अग्रवाल, उदित अग्रवाल, दीपांशु अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके निमित्त जगह जगह पर मेरा प्रवास हो रहा है। कल मैं रामनगर में था, आज काशीपुर हूँ, अभी जसपुर जाऊंगा, फिर अन्य जिलों में भी जाना है। भारतीय जनता पार्टी का 2 सितंबर से 25 सितंबर तक सदस्यता अभियान का पहला फेज है, दूसरा फेज 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है। इस फेज में हमारा प्रयास है कि जितने हमको वोट पड़े हैं उन सबको हम अपना सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे, उससे ज्यादा सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे। और उस काम के लिए जगह जगह पर बूथ स्तर पर भी कोई ना कोई कार्यकर्ता बैठक लेने के लिए जा रहा है। तो मैं दोनों जगह, रामनगर में भी मैंने कल एक बूथ की बैठक ली और आज काशीपुर में एक बूथ की बैठक हुई, अब उसके बाद जसपुर में होगी। तो सबसे यही आह्वान किया है कि सब लोग मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, पार्टी को विस्तार दें, मजबूत करें। पहले जितने हमको हमारे सदस्य थे या वोट पड़े हैं उससे ज़्यादा हमारे सदस्य बने। और इस अभियान के अंतर्गत जगह जगह जहाँ मैं जाता हूँ, मैं जिस समाज से जुड़ा हूँ, अग्रवाल वैश्य समाज, उसके बंधुओं से भी मेरा मिलना होता है। उसी के निमित्त आज ये यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, ये अग्रवाल और वैश्य बंधुओं की एक परिचय बैठक थी, उसमें सबसे परिचय किया और यहाँ पर भी प्रयास किया कि बंधु भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। किन विषयों को लेकर आज आपकी बैठक? मैंने बताया ना, विषय जहाँ पार्टी की केवल बैठक होती है वहाँ पार्टी से संबंधित होती है, समाज की बैठक थी। समाज की स्थिति, समाज की सामाजिक स्थिति, देश की स्थिति, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इसके साथ साथ सबको ये निवेदन भी किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। देखिए, अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के संरक्षक आदरणीय नरेश बंसल जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी हैं और विभिन्न पदों पर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, आज उनका काशीपुर आगमन हुआ। इस अवसर पर श्री अग्रवाल सभा समिति काशीपुर के द्वारा आयोजित ये एक सर्व, जितने भी हमारे समाज हैं, वैश्य समाज के जितने भी संगठन काशीपुर में हैं, सबकी एक बैठक का ही आयोजन किया गया। उसमें जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। सबका परिचय माननीय बंसल जी से हुआ और आदरणीय बंसल जी ने, माननीय हमारे सांसद जी ने, समाज को हम और किस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, समाज के द्वारा हम कैसे एक पिछले छोर में बैठे हुए व्यक्ति की हम सेवा कर सकते हैं, उसके लिए ये आज हमारे सारे लोगों से प्रचारात्मक बैठक हुई, परिचय हुआ सभी का और इस बैठक का अच्छा एक प्रारूप निकल के आया। तो बैठक में कुछ प्रमुख विषय भी रहे? देखिए, विषय तो कुछ नहीं है, समाज हमारा वैसे समाज हमेशा अग्रिम भूमिका में, अग्रणी भूमिका में रहता है, क्योंकि तो समाज का कोई भी तबका हो, उसकी सेवा, कुछ भी काम हो, तो हमारा समाज हमेशा तत्पर रहता है। उसे हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके विषय में ये जानकारी आज सबको दी। आज हमारे मध्य काशीपुर नगर में राज्यसभा सदस्य श्री नरेश बंसल जी का आगमन हुआ है। वो हमारे अग्रवाल समाज के, श्री अग्रवाल महासभा एक इकाई है, उसके अध्यक्ष हैं और काशीपुर में समाज को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए उपस्थित यहाँ हुए हैं। उन लोगों को हमें उनका हमें मार्गदर्शन मिला है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने जो हमें बात बताई है, हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से उन्होंने संगठन के विषय में हमें जानकारी प्रदान की है, वो आज काफ़ी लाभप्रद रही है। हमारा समाज, अग्रवाल समाज, एक अग्रणी समाज है जो कि पूरे देश में, आपको जैसे कि ज्ञात ही है, हमेशा हर कार्य में, सामाजिक कार्यों में और भी किसी भी तरह की आर्थिक सहायता होती है,
किसी भी प्रकार की जो समाज के अनुरूप और समाज के उपयोगी कार्रवाइयां होती हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। हमारे समाज की बात करूँ तो किन विषयों को लेकर आज आपकी बैठक? जी, बैठक में आज समाज को सबसे पहले संगठित करने की बात हुई है। समाज के जो मतलब बदलाव आता है समाज में, उसके लिए नई रूपरेखा तैयार की गई है कि हम सब एक रहें, संगठित रहें, क्योंकि लोकतंत्र में संगठन में ही शक्ति है और हमें सबको बिखरना नहीं है, एकजुट रहना है और देश के लिए काम करना है। मेन चीज जो है वो आज की बैठक का एजेंडा ये है, राष्ट्र प्रथम। हमारा उद्देश्य माननीय सांसद महोदय जी ने जो हमें बताया, उन्होंने क्या, सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहता है राष्ट्र प्रथम, उसके बाद हम अग्रवाल हैं, बैश हैं और हैं और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें राष्ट्र का अपना संगठन मजबूत करना है और राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर वसुधैव कुटुंबकम जिसे कहते हैं, वो हमारा सारा विश्व हमारा परिवार है, उस भावना को आगे लेकर बढ़ेंगे और उसी के लिए हम काम। सत्यन चंद गुड़िया, IMT में गणेश चतुर्थी एवं विमेन एम्पावरमेंट विषय पर हुआ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक एवं परामर्श केंद्र का हुआ शुभारंभ। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपर में मनाया गया शिक्षक दिवस। अब खबरें विस्तार। बाजपुर रोड स्थित सत्यन चंद गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के प्रांगण में विगत दिवस संस्थान के तीनों ही पाठ्यक्रम UG PG एवं विधि के विद्यार्थियों के मध्य गणेश चतुर्थी एवं विमेन एम्पावरमेंट थीम के अंतर्गत पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन संस्थान के UG विभाग SC गुड़िया IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड हायर स्टडीज के तत्वावधान में आयोजित किया गया। जानकारी देते हुए संस्थान के UG विभाग के प्राचार्य डॉक्टर निमिषा अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में लगभग 36 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। वहीं विद्यार्थियों को दी गई थीम गणेश चतुर्थी एवं विमेन एम्पावरमेंट पर छात्र छात्राओं ने बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता में BBA तृतीय सेमेस्टर की खुशबू कुमारी ने प्रथम स्थान, BBA तृतीय सेमेस्टर के रोहित गिरी ने द्वितीय स्थान एवं BBA LLB प्रथम सेमेस्टर की शिखा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं विजेताओं को संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र एवं पारितोषिक वितरित किए गए। शेष अन्य प्रतिभागी विद्यार्थियों को भी संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र दिए गए। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में आज निशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक एवं परामर्श केंद्र का शुभारंभ गुरु की अरदास के उपरांत कार सेवा दिल्ली गुरुद्वारा के बाबा सुरेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस क्लिनिक में डॉक्टर लिप्सी चौहान अपनी सेवा देंगी व सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक क्षेत्र की जनता को निःशुल्क परामर्श एवं दवाई दी जाएगी। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, बाबा हरि सिंह, ज्ञानी मंजीत सिंह, काशीपुर मीडिया सेंटर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी, सरजिंदर सिंह, जोगेंद्र सिंह छीना, कुलवंत सिंह, जगजीत सिंह कोहली, गुरविंदर सिंह कोहली, निर्मल सिंह, डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा, डॉक्टर लिप्सी चौहान, परगत सिंह, लाखा सिंह, जगजीत सिंह आनंद, अरविंदर सिंह सेठी, गुरविंदर सिंह सेठी, सतपाल सिंह आनंद, जगमोहन बंटी, देवेंद्र सिंह तथा गुरुद्वारा सिंह सभा काशीपुर एवं गुरुद्वारा ननकाना साहिब के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर के ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में छात्रों द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना, संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक त्योतिया एवं फार्मेसी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शिशिर नंदी एवं अरुण कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्मरण करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया एवं संस्थान के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान के बारे में बताया गया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने शिक्षक दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक दिवस शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का दिन है। वहीं संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक त्योतिया ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर
आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्थान के समस्त छात्र छात्राएं, अध्यापक एवं पूर्ण स्टाफ मौजूद रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।